सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही जबरदस्त एक रेसिपी लेकर आई हूँ, चिकन पोटैटो टॉफ्रीज की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। और उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख सके। चलिए देखते हैं कि चिकन पोटैटो टॉफिस बनाने के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट की जरूरत होगी। इसके लिए आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने हाफ के जी के करीब 500 ग्राम पोटैटो बॉइल कर लिए। बॉइल पोटैटोस को मैंने मैश कर लिया है। मैश करने के बाद मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है और इसको बॉइल करके मैंने इसके शेडल कर लिया है। ये इस तरह से इसके पीसेस बना लिए। इसके बाद हमने एक कटोरी जो है वो प्याज की ली है, तकरीबन हम पौना कटोरी जो है वो प्याज इस्तेमाल करेंगे। बारीक बारीक मैंने इसको चॉप कर लिए हैं। मैदा एक कटोरी, डो बनाने के लिए 2 चम्मच कुकिंग ऑयल, 4 से 5 बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च, पिसा हुआ सूखा धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 चम्मच, नमक 1/2 चम्मच, आपने हसबे जायका जो है वो ले लेना है। वैसे हम ऑलरेडी चिकन को बॉईल करते वक्त इसमें शामिल कर चुके थे। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इन तमाम चीजों को मिक्स करना है। चलिए अब तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले मैंने ये पोटैटोस ले लिए, उबले हुए आलू, और इसके साथ ये शेडर किया हुआ हम चिकन अपना ऐड करेंगे। यह हमने सारा चिकन इसमें शामिल कर लिया है। सूखा धनिया पाउडर, सुर्ख मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला पाउडर, हरी मिर्चें, सारी इसमें हम शामिल कर देंगे। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। ये देखें भैया, अब ये सारी जो मिक्सर है हमारा वो रेडी हो चुका है। हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल करूंगी। आप प्याज को चॉप भी कर सकते हैं जैसे हम अंडा बनाने के लिए बनाते हैं, लेकिन मैंने इसमें ऐसे शामिल किए हैं। चलें जी, अब हमारा मिक्सर अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं फिलिंग की जगह। चलिए अब हम डो रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ये बाउल में मैदा डाला है, उसके बाद इसमें हम नमक शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसके अंदर ये ऑयल जो है वो शामिल कर दिया। और अब मैं सादा पानी के साथ इसको गूंथ लूंगी। बस हमने हल्का हल्का जितनी जरूरत होगी उतना पानी शामिल करना है और इसको गूंथ लेना है। इसको हमने सख्त बनाना है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ये देखें, अब हमारी जो डो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए, ये मैंने हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लिया, और इसके साथ अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देंगे और उसके बाद इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। अच्छा जी, अब 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। मैं इन आटों की छोटी छोटी जो है इस आटे की गोलियां बना लूंगी। गोलियां मैंने बना ली हैं। अब हमने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा मैदे को डस्ट करेंगे और इसको बेलते जाएंगे। चलिए अब हम मैदे को डस्ट करके इन गोलियों को बेल लेते हैं। चलिए व्यूअर्स, अब हम अपनी गोलियों को बेल लेते हैं। आपने क्या करना है, सिंपल इस तरह रखकर अब हमने क्या करना है,
इस तरह से इसके अंदर कट्स लगाने हैं। और ये जो हमने साथ में कीमा बनाया हुआ है, इसको थोड़ा सा हाथ की मदद से इसके अंदर रख देना। रखने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने इस तरह से जो है इसको रोल कर देना है, और इस दूसरी तरफ से भी आपने इसके ऊपर इसको लगा देना है। ये देखें, ये इस तरह से जो है हमारे टॉफी का डिज़ाइन बन जाएगा। और अब हमने क्या करना है, इसको साइड पर हल्का सा ट्विस्ट दे देना है, और इस शेप में हम बड़ा छोटा जिस तरह भी आप चाहे बनाते जाइएगा। अब इसी तरह से जो है मैं अपनी सारी टॉफीज को रेडी करूंगी। ये देखे व्यूअर्स, हमने कढ़ाई के अंदर तेल ले लिया और तेल को हमने धीमी आंच पर जो है वो गरम कर लिया। आपने इसको बहुत ज्यादा गरम नहीं करना। चलिए अब हमारा ऑयल गरम हो चुका है, अब मैं इसके अंदर चिकन टॉफियों को फ्राई करूंगी। ये हम इस तरह आपने इसके अंदर डालते जाना है। ये भी आपने ध्यान रखना है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत ज्यादा नहीं डाली, जितनी कैपेसिटी आपने उतनी डालनी है। जैसे ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होगा एक साइड से, तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है अब दोनों तरफ से। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी और इसको सर्व करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैंने अपनी पोटैटो चिकन टॉफीज को रेडी करके डिश आउट कर लिया। आप देख सकते हैं कि इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आया है, चॉकलेट और स्किन सा कलर, और देखने में ये बहुत ही यमी लग रहे हैं। चलिए अब हम आपको खाकर टेस्ट करके बताते हैं। इसके साथ ही आज की हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोज को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।